नमस्कार दोस्तों, 15 मई 2024 की एक खबर निकल के सामने आ रही है इजी ट्रिप प्लानर में, इज माई ट्रिप में। अब इजी ट्रिप प्लानर में अगर देखेंगे तो ये न्यूज अभी अभी आ रही है, थोड़ी देर पहले। आज इसमें 22 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है और जो टोटल शेयर ट्रेड हुआ है लगभग 15 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड हुए हैं। आज अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो लगभग 53% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 0.5% की गिरावट भी देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि इस न्यूज़ का कुछ ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा है मार्केट में। अब देखिए न्यूज़ क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि इज माई ट्रिप ने यात्रा को बेहतर बनाने के लिए गूगल वैलेट के साथ जो है साझेदारी की है। तो इस तरह से गूगल वैलेट के साथ एक इन्होंने साझेदारी की है। बताया गया कि भारत के प्रमुख OTA ने अपने प्लेटफॉर्म पर गूगल वॉलेट पेश किया, जिससे सहज एकीकरण के साथ यात्रा का अनुभव बेहतर हुआ है। वहीं पे बताया गया कि नई दिल्ली 15 मई 2024 से भारत के अग्रणी ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म में से एक इज माई ट्रिप ने गूगल वॉलेट के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जो समग्र ग्राहक अनुभव में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इस सहयोग का उद्देश्य यात्रियों को सभी बुकिंग आवश्यकताओं को एक एकल उपयोगकर्ता अनुकूल वॉलेट में एकीकृत करने करके एक सहज यात्रा प्रदान करने यात्रा परिदृश्य में क्रांति लाना है। इस साझेदारी का लाभ उठाकर इज माई ट्रिप के ग्राहक जो है या यात्री हैं की जानकारी की सुरक्षा करने के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो बोर्डिंग पास तक सहज पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकता है। मतलब बोर्डिंग पास और सब कुछ वहीं पे आपका रहेगा, वहीं से आपको उसको दिखा सकते हो, चाहे जो भी करना है कर सकते हो। तो इस तरह से एक जो है साझेदारी हो रही है। इस अनुभव अनु अभिनव सुविधा का लाभ उठाने के लिए एंड्रॉयड उपयोगकर्ता को बस एंड्रॉयड जो मतलब गूगल वॉलेट जो है एंड्रॉयड पे डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने गूगल क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। जब एक बार इज माई ट्रिप पर अपने टिकट बुक कर लेते हैं और वेब चेक इन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो मतलब वो जो है कुछ क्लिक में ही आपके पास आपका जो है बोर्डिंग पास है उसको दिखाना शुरू कर देगा आपके गूगल वॉलेट में, और उसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, दिखा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक सुविधा लेके आ रहे हैं गूगल वॉलेट के साथ ये लोग। वहीं में बताया गया है कि इस साझेदारी के बारे में बात करते हुए इज माई ट्रिप के संस्थापक जो हैं श्रीकांत पिट्टी कह रहे हैं कि हमारा मंत्र समग्र ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता देना है। इस एकीकरण के साथ हम अपने ग्राहक को बोर्डिंग पास और आवश्यक जानकारी तक सहज पहुंच प्रदान करने वाली सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए रोमांचित है। यह साझेदारी न केवल एक और सुविधा जोड़ने के बारे में है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारे बारे में कंपनी मतलब सर्वोच्च जो है सुविधा तक पहुंच मिले, किसी भी तरह से अपने ग्राहक को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे एक अपडेट निकल के सामने आया है जो आप लोग खुद ब खुद देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए 0.5% की फिर भी गिरावट इसमें हो रही है, और मैं आप लोगों को बोला हूँ कि जब तक ये 46 रुपये या फिर 47 रुपये, 47.5 रुपये के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, अब इसमें ब्रेक डाउन नीचे की साइड में हो गया है यहाँ पे, तो व्यू जो रहेगा वो छोटे मोटी गिरावट के साथ ही रहेगा। जब तक ये फिर से जो है 46-47 रुपये ऊपर ब्रेक करके सस्टेन ना कर जाए, तब तक खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। आप चाहो तो इसमें 42 रुपये और 40 रुपये में जो भी अच्छा लगता है स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। हालांकि नीचे आएगा तो 40 रुपये एक बार तो सपोर्ट इसको दे ही देगा। अगर ये लेवल नीचे ब्रेक होता है तब इसमें नीचे एक साइड में 32 रुपये तक की गिरावट आ सकती है। टारगेट की बात करेंगे तो 64 रुपये का टारगेट जो मैं बहुत पहले आप लोगों को दिया हूँ, 52 रुपये वाला टारगेट हम लोग बुक किए थे, 35-30 रुपये के आसपास खरीदारी था, 52 रुपये पे बिकवाली था। उसके बाद मैं बोला था कि इसमें गिरावट फिर से आएगी, 40 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, और 40 रुपये पे आया, सस्टेन किया, थोड़ा मोमेंटम दिखाया, फिर से जाके फिर से उसी 40 रुपये को टच करने के लिए जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो देख लीजिएगा मेरा व्यू क्लियर है अभी इसमें, या तो होल्ड कर सकते हैं हम लोग, न्यूट्रल रहेंगे, या फिर थोड़ा बहुत निगेटिव इसमें व्यू लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है,